चावल ले आई हूँ ना पूरी की बोरी की बोरी, ये जब मैं पकाती हूँ ना, चिकन ने मेरी मुमानी चची ताई और फूफो की तरह रंग बदल लिया है माशाल्लाह से। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ विद तहमीना अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन विद तहमीना। आज हमारे किचन में बनने जा रही है ज़बरदस्ती बिरयानी, जो कि मैं बचपन से, इतनी उम्र हो गई है यानी कि 16 साल, इसको खाते खाते, ये हमारे घर की रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है और बड़ी इंटरेस्टिंग। तो चलिए जी, बग़ैर टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ऑलराइट पीपल, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर लेती हूँ ऑन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है मेरे पास 1/2 kg प्याज, जो कि मैंने रफली काट ली, इसको इसमें शामिल कर लीजिए। छोटा सा ये अदरक का टुकड़ा है जो कि मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिए, इसे भी शामिल कर लीजिए। और ये है लहसुन के 5 से 6 जब्बे, ठीक है, इसे भी इसमें कर लें शामिल। अब इसमें तकरीबन ये है 1 कप पानी, ठीक है, प्याज जो है ये कवर हो जाए अच्छी तरह से, इसे शामिल करिए। और इसमें शामिल कर दीजिए तकरीबन 1 teaspoon नमक, ठीक है जी। अब इसको कर लें बंद और 5 मिनट के इसको दे दीजिए छिक 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 छिक, यानी कि प्रेशर। और राइट पीपल, इसको खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप किस तरह से प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, और लहसुन वगैरह भी, ये आप देखिए जी। अब मैंने एक और ले लिया है बर्तन, इसमें 1/4 cup कुकिंग ऑयल शामिल करने वाली हूँ, कोई सा भी ले लीजिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर लेती हूँ मैं ऑन, और अब ये सारे का सारा जो हमारा प्याज वगैरह था पानी से स्टेन करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आप जनाब ये आप देख सकते हैं, ये है डोई। अच्छा, इसकी मदद से आप इसको मसल लें, ये देखें बड़ी ईजीली ये प्याज क्योंकि गले हुए हैं, ये देखें कितना स्मूथ उसमें आते जा रहे हैं फॉर्म में। देखिए अदरक ज़रा हार्ड है, मे भी इसको मैं बाद में रिमूव कर लूँगी क्योंकि इसका सारा वाइटामिन ABCD तो हमने ले लिया है। मीडियम फ्लेम में आप जब तक फ्राई करें, जब तक ये यू नो क्रिस्टल कलर के, गोल्डन गोल्डन कलर के नहीं हो जाते, हमने इसे ओवर कुक नहीं करना। और पीपल आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्याज श्याज जो हैं वो लहसुन वगैरह सब ज़बरदस्त तरीके से देखा पक चुके हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ, ये है 1/2 kg चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिकन को आप उस वक्त तक पकाएं जब तक ये अपना कलर जो है वो चेंज नहीं कर लेता। ऑल राइट पीपल, चिकन ने मेरी मुमानी चची ताई और फूफो की तरह रंग बदल लिया है माशाल्लाह से, जैसे ज़रूरत पे काम आने पे बदल लेते हैं ना। तो अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3 बड़े बड़े ले लिए थे और इनको छोटे छोटे उसमें काट लिया था। अब इसमें जनाब मैं शामिल करने जा रही हूँ, ये हैं हरी मिर्चें तकरीबन 3 अदद, मैंने बारीक बारीक काट ली थी, इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स करें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक भुनाई करें। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा ये नीचे लगना शुरू हो गया है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी इसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जनाब जो प्याज का बचा हुआ पानी था, 1-1 विटामिन D वगैरह मुझे चाहिए, ये देखें ये इसमें शामिल कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन बिल्कुल 1/4 cup था, देखा ये नीचे लगना जो है ये बंद हो गया है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं स्पाइसी, सबसे पहले 1 teaspoon इसमें चला जाएगा नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। बिल्कुल 1 teaspoon ही इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ सुर्ख मिर्चें, बड़ी कम मसाले इसमें जाएंगे। अच्छा जी, ये है तकरीबन 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ शाहरुख खान का, मेरा मतलब शान का बिरयानी मसाला, पूरे पूरा ये आप देख सकते हैं 1 packet इसमें चला जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दोबारा से अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स। अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट आप भून लें, इसको मैं करने जा रही हूँ कवर, और इसे तकरीबन 15 मिनट हम लो फ्लेम में
पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आपका चिकन जो नीचे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, आप पानी मतलब 2-3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जी 15 मिनट का कर लेते हैं हम लोग इंतज़ार। ऑल राइट पीपल, 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गुडनेस, ट्रस्ट मी पीपल, इस कदर ज़बरदस्त ये खुशबूएं आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कितना स्मूथ उसमें चला गया। यूजुअली जब मेरी बाकी आप रेसिपीज़ देखें या आप अपने घर की देख लीजिए तो उसमें ये होता है कि मसाला जो है वो खड़ा खड़ा होता है, ये बैठा बैठा है भाई, ये स्मूथ है। ये देखिए क्योंकि हमने इतने प्याज जो है इनको प्रेशर दे दिया था, मतलब ज़्यादा स्मूथ उसमें चलेंगे, ठीक है। और ऑयल सेपरेट हो चुका है, इट्स डन। अब जनाब सीन ऐसा है कि मैंने हाफ के जी चावल को पका लिया है, एक कनी छोड़ दिया है, ठीक है जी। ऐसा है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें एक लेयर लगा दी चावलों की। ये आप देखिए ये सारे का सारा अब मसाला उठा के इसमें डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी एहतियात के साथ से एक लेयर लगा दी चावलों की, ठीक है जी। थोड़ा सा ये फूड कलर येलो इसमें शामिल कर दिया, साइड पे ये ऑरेंज फूड कलर जो कि मुझे ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, इसे शामिल कर लीजिए। अच्छा जी, थोड़े से स्लाइसेस नींबू के और थोड़ी सी ये बची हुई सब्ज मिर्ची थी, इसे शामिल कर लीजिए। बिल्कुल लेस एफर्ट और लेस बजट, लेकिन टेस्ट बड़ा इसका ज़बरदस्त होता है। अब इसको कर लीजिए कवर, ठीक है जी। फ्लेम को लो कर लीजिए और इसे तकरीबन 10 मिनट का दे दीजिए दम, 7 से 10 मिनट का। ऑल राइट पीपल, 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पीपल जस्ट लुक एट दिस, ये जबरदस्त प्लेटर जो है ये मैंने तैयार कर लिया है। ये आप देखिए, ये लहसुन और हरे धनिया की चटनी है जो कि आउट क्लास लेवल के है। बिरयानी को 4-5 चांद लगा देते हैं। देखिए आप देखने में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है या नहीं आई, फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि अच्छा, ये थोड़ा सा एक बात कहना चाहती हूँ मैम, यही जो मैं चावल ले आई हूँ ना पूरी की बोरी की बोरी, ये जब मैं पकाती हूँ ना ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कीमत ज़्यादा है लेकिन काम इसका कम है। ये अब जब बोरी ख़त्म हो के नई बोरी लेने जाऊँगी तो मैं फिर शिकायत इंशाल्लाह करो उससे लगाऊँगी। ये मैं नोटिस कर रही थी, लेकिन आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है। इस रेसिपी को अपनी खाला पुप्पो, मैंने कहा सब सच बता देनी चाहिए ना सब कुछ, खाला पुप्पो चाची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।